सिंगरौली में लॉकडाउन के कारण कई वेंडर्स और छोटे व्यापारियों को व्यवसाय में काफी नुकसान उठाना पड़ा है, जिसको देखते हुए नगर पालिक निगम ने शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स को लोन देने की प्रक्रिया के तहत पंजीयन का शुरू कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत राष्ट्रीय मिशन कार्यालय में नगर निगम आयुक्त शिवेंद्र सिंह के निर्देश पर शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स को, जो लॉकडाउन में पूरी तरह व्यवसाय विहीन हो गए हैं, उनका शासन द्वारा 10,000 के लोन दिए जाने की प्रक्रिया के तहत पंजीयन किया जा रहा है। इस दौरान सभी की थर्मल स्कैनिंग की गई और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी रखा गया। नगर निगम द्वारा सभी को मास्क लगाने की हिदायत भी दी गई। बताया जा रहा है कि अब तक करीब 1,000 पथ विक्रेताओं का पंजीयन किया जा चुका है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।